साकार करें सपने अपने। आज सोमवार है और मैं आपसे शिवजी पर खास बातचीत करने वाली हूँ। आपके फायदे की जानकारी रोज की तरह दी जाएगी। आज आपको पारद के शिवलिंग की जानकारी दी जाएगी। वो अचूक उपाय बताए जाएंगे जो पारद के शिवलिंग के होते हैं। आज आपको शिवजी की कृपा से ग्रह सुधारने का तरीका भी बताया जाएगा। आपके शरीर में क्या फड़कने से शुभ और क्या फड़कने से अशुभ होता है, ये भी आज आपको सारी बात बताऊंगी। सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। सोमवार का दिन है, शिव जी की कृपा मिल जाए तो आपके ग्रह आपके हिसाब से चलना शुरू कर जाएंगे। आपको बस ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए भोले भंडारी को प्रसन्न करना है। और ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव से संबंधित बाधा है तो शिवलिंग का अच्छे से पंचोपचार या फिर षडोपचार पूजन लाल आग के फूल और पत्तों से करें। बिलपत्र चढ़ाकर कीजिए। अभिषेक संपन्न करने के लिए आपको ये पूजा बहुत अच्छे से करनी है। अगर चंद्रमा के प्रभाव से आप दिक्कत में हैं, सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है, मदर से दिक्कत आ रही है, लिक्विड कैश की दिक्कत है, ऐसे में सोमवार का व्रत करना है और साथ ही में गाय का दूध शिवलिंग पर एक चम्मच चढ़ाना है, बाकी किसी गरीब को दान देना है। मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव से खून की बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। मंगल ग्रह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए गिलोय की जड़ का रस शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। बुध ग्रह से संबंधित परेशानी हो तो स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आपकी किडनीज की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। ऐसे में आपको विधारा की जड़ के जूस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। बृहस्पति जुपिटर ठीक ना होने पर मानसिक प्रॉब्लम, लोग बेइज्जती करते हैं, आपकी बात का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, घर में खुशियां नहीं होती, आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। तो बृहस्पति ग्रह को अपने लाभ का, अपने फायदे का बनाने के लिए हल्दी और दूध से मिले, मतलब दूध और हल्दी को मिलाकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, थोड़ा सा हाँ, बाकी किसी जरूरतमंद को। शुक्र ग्रह अशुभ होने पर कई अंगों में कई तरीके की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ऐसे में पंचामृत और चीनी वाले दूध का या दही से या घी से शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती तब भी कर लेना चाहिए। शनि की पीड़ा से परेशान है तो अचानक दुर्घटना में चोट लगने का डर बना रहता है। मांसपेशियों से परेशानी रहती है तो गन्ने के रस और छाछ से शिवलिंग का पूजन करना फायदेमंद होता है। कुंडली में अशुभ राहु या केतु की दशा चल रही है, राहु केतु अशुभ हो तो किसी भी तरह का फैसला नहीं ले पाएंगे आप, अचानक दिक्कतें आती जाएंगी, मन इधर उधर भटकता रहता है, ये ग्रह मानसिक परेशानियों को ज्यादा बढ़ाता है। ऐसे में कुश या दूर्वा के रस में जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मानसिक परेशानियों से आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। शादीशुदा जिंदगी में कलेश है तो मक्खन और मिश्री मिलाकर बिल पत्र पर रखकर 108 बिल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। आपको सिर्फ एक पे रखना है एज अ प्रतीक, बाकी किसी गरीब को दीजिए प्लीज। जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी आदि की अगर आपको प्राप्ति करनी है, आपके पास पैसे भी हैं बट बात नहीं बन रही है, तो शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें, 5 या 10 बूंद से करें, बाकी किसी गरीब को दें। और एक जरूरी बात, अगर कोई बीमारी है या कोई एलर्जी है तो अपने डॉक्टर की सलाह पर ही कुछ खाना है पीना है, और इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई सोमवार का दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पारद शिवलिंग के लाभ बता दिए जाएं। वैसे तो शिवजी के हर शिवलिंग का महत्व है, लेकिन पारद शिवलिंग की महिमा बहुत न्यारी है, आइए बताती हूँ। शिवलिंग सौभाग्य, शांति, हेल्थ और सुरक्षा के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में बिजनेस को बढ़ाने के लिए पारद शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय है। शिवलिंग के दर्शन ही सौभाग्यशाली होते हैं, इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत भी नहीं होती। इसके ज्यादा लाभ उठाने के लिए पूजन विधि से होनी चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग को सफेद कपड़े पर अच्छे से साफ आसन पर रखें, खुद पूर्व उत्तर दिशा की ओर या नॉर्थ ईस्ट की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने आसपास जल, गंगा जल, रौली मौली, चावल, दूध, हल्दी, चंदन रख लीजिए। सबसे पहले पारद शिवलिंग के
दाहिने तरफ दीपक जलाकर रखें। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार जो मंत्र बताने जा रही हूँ उसका जाप करना है। बहुत आराम से मंत्र बोलूंगी, आराम से नोट कीजिएगा। पहली बार आपको बोलना है ओम मृत्यु भजाय नमः, दूसरी बार ओम नीलकंठाय नमः, तीसरी बार ओम रुद्राय नमः, चौथी बार ओम शिवाय नमः, और हाथ में फूल और चावल लेकर शिव जी का ध्यान करें। मन में ओम नमः शिवाय का 5 बार जाप करें। चावल और फूल शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का लगातार उच्चारण करते रहें, जोर से बोलें। फिर हाथ में चावल और फूल लेकर ओम पार्वती नमः मंत्र का उच्चारण करके माता पार्वती का ध्यान करें। चावल पार्वत शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके बाद मौली और जनेऊ पार्वत शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद हल्दी और चंदन का तिलक लगा दीजिए। चावल अर्पण करें, इसके बाद फूल चढ़ा दें, मीठे का भोग लगा दें, भांग धतूरा और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर आखिर में शिवलिंग की आरती करें और प्रसाद ले लीजिए, सब में बांटिए। अब पार्वत के शिवलिंग के जुड़े कुछ और अचूक उपाय जान लीजिए। भगवान पारदेश्वर का महाअभिषेक उत्तर की ओर मुंह करके शिव जी का पूजन करना है। शिव जी के आगे पूर्व को ना बैठें, बल्कि उत्तर को ही बैठें। चंपा और केतकी के फूल छोड़कर सब फूल शिव जी के ऊपर चढ़ाए जा सकते हैं। दुकान बिजनेस में आमदनी की बढ़ोतरी अगर करना चाहते हैं, पैसा लाने के लिए आप एक उपाय कीजिए। फ्राइडे के दिन किसी साफ बर्तन में पारद पारस गुटिका स्थापित कर दें। फिर 108 कमल के ताजे फूल आप पहले से ही अच्छे से उनको मंगा कर रख लीजिए। फिर एक कमल का फूल हाथ में ले और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार उच्चारण करें एक फूल पर। फिर इसके बाद कमल का फूल पारद पारस गुटिका पर चढ़ा दें। प्रयोग खत्म होने पर कमल की पंखड़ियों को पूरे घर में बिखेर दें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, बरकत भी आएगी। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको हमेशा भगवान के बड़े मंदिरों के दर्शन कराती हूँ। आज सोमवार है तो उत्तर भारत के सोमनाथ कहे जाने वाले भुजेश्वर मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। जो दर्शक आप कहीं नहीं जा सकते मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बैठे बैठे टीवी पर पूरे भाव के साथ मंदिर के दर्शन कीजिए और लाभ पाइए। भगवान तो बस श्रद्धा ही चाहते हैं। फिर अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, टेलीविजन पर शिव जी के साथ जुड़ जाइए और कृपा के भागीदार बन जाइए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील में विश्व धरोहर के रूप में मौजूद है भगवान भोलेनाथ का शिव मंदिर। भोजपुर मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और मंदिर में भगवान भोलेनाथ का 20 से 22 फीट बड़ा शिवलिंग है। मान्यता है कि भोजपुर मंदिर पांडव कालीन का मंदिर है। पांडव कालीन में माता कुंती के पिता राजा भोज थे, इसीलिए मंदिर का नाम भोज कालीन रखा गया था। इस मंदिर में माता कुंती ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी। मंदिर के निर्माण में 70 टन से भी ज्यादा का पत्थर लगा हुआ है। मंदिर की विशेषता की बात की जाए तो मंदिर में विशाल शिवलिंग, चौकोर जलेरी, मंदिर में उपयोग विशाल पिलर, मंदिर का गेट पश्चिम दिशा की ओर है जो कि बहुत कम देखा जाता है। साथ ही मंदिर बनाने में किसी भी प्रकार के अन्य सामग्री का प्रयोग नहीं हुआ है, मंदिर केवल पत्थरों से ही बना है। भोजपुर मंदिर 5,500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। कहते हैं कि ये मंदिर एक ही रात में बनाया गया था।
एक बार फिर से मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपकी हैंडराइटिंग के सबसे पहले शब्द लेटर ए की बात करूंगी। आपको जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिए और अपनी जिंदगी में चेंजेस कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और क्या होगा ये भी बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, आपको समझाने वाली हूँ सारी बात। देखिए ए अल्फाबेट जो होता है ना, इसको आपको बिल्कुल साफ लिखना चाहिए। ए में ज़्यादा कर्ल्स, कुछ लोग ए को ऐसे लिखते हैं, ए में ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स करते हैं, ऐसे करते हैं, नॉट्स बांधते हैं, ये सब नहीं बांधे। क्यों? क्योंकि आपके कम्युनिकेशन और आपकी स्किल्स इससे बढ़ेंगे। ए अल्फाबेट बताता है कि आप अपने रिसोर्सेस को कैसे यूज़ करते हैं। ए के बारे में आप समझ गए, ए बताता है कि आप अपने स्किल्स को कैसे यूज़ करते हैं। अगर इसमें गांठे डालते हैं तो आप अपनी चीज़ों में भी गांठे डालेंगे, कामों में भी गांठे डालेंगे। अब जल्दी ही आपको लेटर बी के बारे में भी बताने वाली हूँ। साकार करें सपने अपने।